हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो इस पूरे लेसन में हमने सेल के बारे में पढ़ना है। अब सेल क्या होता है, देखो आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर है, है ना। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर। और ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। जब हम अपने आसपास किसी भी चीज को उठाकर जूम 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 कर देखेंगे तो हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाएंगे। हमें दिखेगा कि ये मैटर छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिनसे मिलकर ये पूरा मैटर बना है इज नोन एज एटम। ठीक है, तो मतलब छोटे छोटे एटम्स से मिलकर सभी मैटर्स बने होते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जूम जूम करके देखें तो हम ये पाएंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना होगा। सेल्स, अब समझ आया सेल क्या होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या बहुत बड़ा सा एलिफेंट प्लांट हो या कुछ भी हो। जितनी भी लिविंग चीजें हैं वो सब सेल्स से मिलकर बनी है। अब सवाल ये है कि लेसन का नाम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है। देखो, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक एंड नेसेसरी। व्हेन समथिंग इज बेसिक एज वेल एज नेसेसरी, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने बात करी एक बिल्डिंग की, मैंने आपको कहा कि यू हैव टू मेक अ बिल्डिंग, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगी सिवाय एक चीज के, वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बिना आपको बिल्डिंग बनानी है, तो आप मुझसे कहेंगे अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ब्रिक ही तो सबसे पहले चाहिए होती है हमें बिल्डिंग बनाने के लिए। तो ब्रिक यहाँ पर बहुत बेसिक चीज है एज वेल एज इट इज वेरी नेसेसरी फॉर मेकिंग अ बिल्डिंग। यहाँ पर हमें ब्रिक की इंपॉर्टेंस पता चल रही है टू मेक अ बिल्डिंग। ब्रिक्स के बिना बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है, हमें ये समझ आ रहा है। तो यहां पर दिस ब्रिक इज फंडामेंटल, समझ आया, बेसिक एंड नेसेसरी एज वेल। अब यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब किसी भी एक बड़े से स्ट्रक्चर का सबसे छोटा पार्ट। जिन छोटे 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 पार्ट से मिलकर वो बड़ा स्ट्रक्चर बना है देन दैट स्मॉल स्ट्रक्चर इज नोन एज यूनिट। यहां पर इस बिल्डिंग की यूनिट क्या है, ब्रिक। मैटर की यूनिट क्या है, एटम। सिमिलरली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल यूनिट है सेल। फंडामेंटल मतलब बेसिक और सबसे छोटी यूनिट सेल है। हमें कुछ कुछ समझ आ रहा है कि सेल क्या होता है, राइट। कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। मैं आपको एक और चीज बता देती हूं कि ये सेल ही किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और ये सेल ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सारे फंक्शंस भी करता है। एक छोटा सा सेल उसे स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। आप अभी जानते नहीं है एक छोटा सा सेल कितने सारे फंक्शंस कर सकता है। एक छोटा सा सेल रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, प्रोटीन सिंथेसाइसिस, मतलब बहुत बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फंक्शंस कर सकता है। तो वी कैन से दैट सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्यों, क्योंकि सेल्स ही तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और फंक्शनल क्यों, क्योंकि सेल्स ही तो सारे फंक्शंस को करते हैं। ठीक है, सेल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेल आल्सो कैरीज आउट ऑल द फंक्शंस ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म।
So that's why we can say that cells are structural and functional unit of living organisms. अब एक सवाल आप लोग के मन में आ रहा होगा कि इन सेल्स की डिस्कवरी कैसे हुई. तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ सेल्स वर डिस्कवर्ड. तो ये बात है 1665 की. देयर वाज अ साइंटिस्ट, उनका नाम था रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने ना एक माइक्रोस्कोप बनाया था खुद से. तो उन्होंने क्या किया, अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया. व्हाट इज थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क? कॉर्क वो होता है जो एक ट्री के ब्राउन वाला पार्ट होता है ना, दैट इज नोन एज कॉर्क. तो उन्होंने एक पेड़ से उसका ब्राउन वाला पार्ट लिया, उसकी पतली सी स्लाइस ली और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया. और उन्होंने ये चीज देखी कि उन्हें कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, समथिंग लाइक दीज. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन्हें उस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करने पर ऐसे छोटे 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 हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं. उन्होंने इस छोटे वाले कंपार्टमेंट का नाम दिया सेल, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम. तो उन्हें ये कंपार्टमेंट छोटे छोटे रूम्स की तरह नजर आ रहे थे. सो दैट्स व्हाई ही गेव देम नेम सेल. हालांकि ये एक बहुत छोटी सी डिस्कवरी थी, लेकिन बायोलॉजी के फील्ड में इसने तहलका मचा दिया था, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी इंसान ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज से मिलकर बने होते हैं इस चीज पर गौर किया, इस चीज को ऑब्जर्व किया. सो सेल्स की डिस्कवरी कुछ इस तरह से हुई थी. रॉबर्ट हुक ने इन्हें डिस्कवर किया था, उन्होंने एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, उसके नीचे एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया. जब उन्होंने उस पीस को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उन्होंने पाया कि उन्हें कुछ छोटे छोटे हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं. उन्होंने एक हनीकॉम्ब जैसे कंपार्टमेंट को सेल नाम दिया. समझ आया? तो एक चीज तो हम समझ चुके हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना है. ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए आपके पास एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी है. आपको क्या करना है, एक अनियन बल्ब लेना है. ठीक है, अनियन बल्ब, और इसको पील ऑफ कर देना है. इसको छीलने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पतली सी वाइट ट्रांसपेरेंट सी लेयर आपको नजर आएगी. आपने कभी प्याज छीला होगा तो आप जानते होंगे कि एक पतली सी वाइट झिल्ली नजर आती है हमें. तो हमें क्या करना है, उस पतली सी झिल्ली का एक छोटा सा पीस लेना है, फिर उसे एक वॉच ग्लास में रख देना है. मेक श्योर कि उस वॉच ग्लास में थोड़ा सा पानी हो, ताकि वो जो सेल्स हैं वो ड्राई ना हो जाए. ठीक है, हमने उस छोटे से अनियन पील को इस वॉच ग्लास में ट्रांसफर कर लिया. अब आपको क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड लेनी है. आप कभी अपने लैब में गए होंगे, और अगर आपका ध्यान होगा कि टीचर क्या बोल रही है, तो आप जानते होंगे कि ग्लास स्लाइड क्या होता है. कुछ नहीं, एक छोटा सा ग्लास का टुकड़ा होता है, इसके ऊपर कवर स्लिप रख के आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं. तो आपने एक ग्लास स्लाइड लेनी है. इस ग्लास स्लाइड पर एक पेंट ब्रश की हेल्प से इस छोटे से अनियन के पील को रख देना है. ठीक है, हमने ग्लास स्लाइड पर ये अनियन पील को रख दिया. उसके बाद हमें इसके ऊपर सैफ्रनिन नाम का स्टेन चढ़ाना है. ये बेसिकली स्टेन्स आपके सेल्स को कलर देते हैं, ताकि आप इनके जो पार्ट्स हैं इन्हें अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएं. ठीक है, तो हमने सैफ्रनिन स्टेन डाला. उसके बाद एक बूंद ग्लिसरीन भी डाल दो अगर थोड़ा सूखने लग गया है, वरना ऐसे ही कवर स्लिप इसके ऊपर लगाओ. इस तरह से लगाओ कि बबल्स ना आए. कवर स्लिप लगाकर इसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करो. तो जब हमने इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो हमें कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर नजर आया, समथिंग लाइक दिस, ऐसा. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर सेल्स. ठीक है, हमें सेल्स को ही ऑब्जर्व करना था एक अनियन पील से.
तो हमने अनियन पील को लेकर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि वो अनियन भी छोटे 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 सेल्स से मिलकर बनाए। अब ये सेल्स बहुत छोटे कि हमें वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। ऐसे मिलियंस ऑफ सेल आपस में मिले होंगे तब जाकर एक अनियन बल्ब बना होगा। समझ पा रहे हैं आप? और हर सेल के बीच में ये जो डॉट है ना, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। आगे चलकर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना जान लो कि हर सेल के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। और सिर्फ अनियन से नहीं, हम अपने आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं वो सभी ऐसे ही छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने होंगे। भले उनका स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा, फंक्शंस कुछ अलग होंगे, बट सब लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे सेल्स से ही मिलकर बने होते हैं। अब कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ एक सेल, उनकी बॉडी में बस एक सेल होता है, कुछ ऐसे। और कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे छोटे 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 छोटे, जैसे कि ये अनियन बल्ब, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। याद रखना इस चीज को, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कि अनियन बल्ब, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक सेल ही सारे के सारे फंक्शंस करता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटीन सिंथेसाइज, सब कुछ एक सेल करता है, सिंगल सेल। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, काम बटा होता है। इसके लिए हमारे पास एक टर्म है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब सब सेल्स का काम बटा होता है। जो हर्ट फॉर एग्जांपल, वो ब्लड पंप करने का काम करेंगे। जो लंग्स के सेल होंगे वो रेस्पिरेशन का काम करेंगे। मतलब देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ पर्टिकुलर सेल्स कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे, बाकी दूसरे सेल्स दूसरा फंक्शन करेंगे, सबका काम डिवाइड होता है। हमें ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। नाउ वी हैव एन अनदर एक्टिविटी जो कि आपकी एनसीईआरटी में है। सो एक्टिविटी इज कि वी हैव टू टेक माउंट ऑफ लीफ पील्स, टिप्स ऑफ रूट्स, अनियंस ऑफ डिफरेंट साइजेस, और इन सभी को हमें माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है। तो जब आप इन सभी चीजों को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो माउंट ऑफ लीफ पील्स हैं, इनके सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शंस, मतलब आप सिर्फ स्ट्रक्चर ही देख पाएंगे, फंक्शंस तो नहीं, बट स्ट्रक्चर इनका अलग है। आप देखेंगे रूट टिप्स के जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर अलग है, अनियंस का सेल्स का स्ट्रक्चर अलग है। मतलब जो भी अलग अलग सोर्सेज हैं उनके सेल्स का स्ट्रक्चर अलग अलग है। सो वी ऑब्जर्व्ड दैट द सेल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। जितने भी सेल्स होते हैं ना, उनका सबका शेप और साइज, इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, लेकिन इन सबका काम सेम होता है। दे ऑल परफॉर्म द सेम फंक्शंस। कई सेल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि उनका फंक्शन क्या है, मतलब उनका जो शेप और साइज है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी शेप को चेंज कर सके। फॉर एग्जांपल अमीबा, ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, मैंने आपको बताया था, और ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, दे ऑल्सो कैन चेंज देयर शेप, ठीक है। लेकिन ज्यादातर प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की फिक्स्ड शेप और साइज होती है। कुछ सेल्स को आप नेकेड आईज से भी देख सकते हैं लेकिन कुछ को नहीं देख सकते, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल एक रेप्टाइल का जो एग है वो एक सिंगल सेल्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच एग इतना बड़ा होता है और वो एक सिंगल सेल होता है. तो आप इसे नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते. सो देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन अमंग सेल्स. और एक और बात यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, तो आप ये मत सोचना कि एलिफेंट एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसके सेल्स का शेप भी बड़ा होगा. नहीं, एलिफेंट बड़ा इसलिए है क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ सेल्स, मतलब नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है. नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होने की वजह से वो बड़ा है, ना कि सेल का साइज बड़ा होने की वजह से. ठीक है, तो जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म से जैसे रैट हो गया, कैट हो गया, तो इनमें कम सेल्स प्रेजेंट है, इस वजह से वो छोटे हैं, ना कि इनमें छोटे सेल्स प्रेजेंट है. बात को समझ पा रहे हैं? एलिफेंट्स में ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है इसलिए वो ज्यादा बड़ा है, छोटे ऑर्गेनिज्म में कम सेल्स प्रेजेंट है इसलिए वो छोटे रहते हैं. वी कैन नॉट से कि एलिफेंट है तो उसके सेल्स का शेप भी बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा होगा छोटे ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में. बट वी कैन से कि एलिफेंट में ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे और ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स की वजह से ही बड़ा या छोटा होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म. हमें ये चीज क्लियर हो गई? ओके. सो हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है. ठीक है, ये मैं आपको सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ. हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल ऑर्गेनलीज होती हैं. सेल ऑर्गेनलीज, अलग अलग टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनलीज हमारे सेल में प्रेजेंट होती हैं, और ये सेल ऑर्गेनलीज ही फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं. कुछ सेल ऑर्गेनली एनर्जी सिंथेसाइज करने का काम करती हैं, कुछ सेल ऑर्गेनलीज प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करती हैं, कुछ सेल्स को क्लीन रखने का काम करती हैं. मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं, दे ऑल परफॉर्म फंक्शंस, राइट? तो हर एक सेल ऑर्गेनली का अपना काम होता है. वी कैन से कि हर सेल का अपना अपना काम होता है. जब सेलुलर लेवल पर कोई भी काम होता है तो इसी की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म काम कर पाता है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल सेल्स. समझ पा रहे हैं? जब इन सेल्स में काम होगा तभी वो ऑर्गेनिज्म काम कर पाएगा. ओके, तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. सेल वेरीज इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, बट उनका फंक्शन सेम होता है. एक सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनलीज होती हैं, और सेल ऑर्गेनलीज सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है. हम ये भी समझ चुके हैं. यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जितने भी सेल्स होते हैं ना, चाहे वो किसी के भी बॉडी के सेल हों, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हो, एलिफेंट के हो, ह्यूमन बींग्स के हो, जिराफ के हो, किसी के भी हो, उन सब में सेम सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं. लगभग सेम सेल ऑर्गेनलीज, नो मैटर वो ऑर्गेनिज्म कौन है, नो मैटर उसका शेप क्या है, साइज क्या है, सेल में ऑर्गेनलीज सेम होती है, और इन्हीं ऑर्गेनलीज की वजह से ऑर्गेनिजम्स अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं. तो हमें क्लियर हो गया एक सेल क्या होता है, राइट? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ. अब हम एक सेल के बारे में तो जान गए हैं, लेकिन एक सेल में क्या क्या होता है, कौन से वाले पार्ट का क्या काम होता है, कौन सी सेल ऑर्गेनली क्या काम करती है, वो सब हम जानेंगे. तो अगर आपको ये चीजें समझ आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे. तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.